जोर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर चल रहे कयास पर विराम रखा है। कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। राहुल गांधी ने उनके नाम पर मोहर लगा दी है। बता दें कि सोमवार को कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम और भानुप्रतापपुर विधायक मनोज मंडावी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की थी। इस दौरान छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी मौजूद थे। इस मुलाकात में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी को लेकर दोनों नेताओं में चर्चा हुई थी। मरकाम बस्तर के पहले नेता हैं जिन्हें कांग्रेस की कमान सौंपी गई है। वह भूपेश सरकार ने कैबिनेट विस्तार करने की घोषणा की है। 13वें मंत्री के रूप में सीतापुर विधायक अमरजीत भगत को शामिल कर लिया गया है और अमरजीत भगत के शपथ ग्रहण के लिए राजभवन में तैयारियां भी की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है मोहन मरकाम के रूप में, जो कि विधायक हैं बस्तर से, कोंडागांव से लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, हालांकि सरकार अब आपकी है। जब आप विपक्ष में थे तो प्रदेश अध्यक्ष का काम कुछ और था, अब कुछ और रहेगा। और जो इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो काफी अग्रेसिव रहे हैं और उसके विरुद्ध आपका टेम्परामेंट है कि आप कूल रह करके सारी चीजों को हैंडल करते हैं। तो क्या कुछ कहना है जो ये जिम्मेदारी मिली? छत्तीसगढ़ में पहली बार बस्तर को पीसीसी अध्यक्ष बनने का मौका दिया है। जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ मेरे पे विश्वास किया है, उनके उम्मीद और विश्वास से मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। तो ये किस तरह से आप काम करेंगे, क्योंकि अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि सत्ता में आप हैं, सत्ता के साथ सामंजस्य भी बिठाना है और संगठन की आवाज भी सत्ता तक पहुंचानी है। जी, मैं संगठन को मजबूत करने के लिए काम करूंगा और सत्ता और संगठन, जो छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता का विश्वास देकर हम लोगों को सत्ता सौंपा है, सत्ता और संगठन में तालमेल लेकर जो छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता के विश्वास अपेक्षाओं पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये भी चर्चा चल रही है कि चूंकि अब सत्ता आ गया है, उसके बाद खासतौर से आदिवासी मतदाताओं को एड्रेस करने के लिए जिस तरीके से आपको अध्यक्ष बनाया गया है, तो आदिवासी जो यहाँ का समाज है उनको क्या इससे बेनिफिट मिलने वाला है? आप देखिए, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, आदिवासी समाज हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है। तो हमेशा कांग्रेस पार्टी की नीतियों सिद्धांतों के साथ आदिवासी समाज खड़ा रहा है, इसलिए आदिवासी समाज कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ है, रहेगा, आगे भी रहेगा। अगर ऐसी स्थिति आती है कि सत्ता और संगठन में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो पार्टी का अपना इंटरेस्ट होता है, सत्ता का अपना इंटरेस्ट होता है, उस स्थिति में क्या रहेगा? देखिए, संगठन की भी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता के प्रति जवाबदेही, और छत्तीसगढ़ के सरकार की भी जिम्मेदारी है 2.5 करोड़ जनता के अपेक्षाओं पे खरा उतरना। हम सत्ता और संगठन में तालमेल के साथ छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता की सेवा करेंगे। एक और सवाल कि संगठन को लेकर के चूंकि एक जिम्मेदारी मिली है, लेकिन संगठन में हमने देखा है कि अब चूंकि 5 साल हो गए, 5 साल से तमाम वो चेहरे थे, अब उसमें से कई चेहरे चले गए हैं जो कि सत्ता के हिस्सेदार हैं, अब क्या संगठन को आप फिर से पूरी तरह से चेंज करेंगे? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में क्या करना है नहीं करना है, सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में हम संगठन को फिर से खड़े करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। तो ये तो मोहन मरकाम जो नए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भूपेश बघेल की जगह लेंगे और खासतौर से कह रहे हैं कि बड़े नेताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करके तमाम फैसले लिए जाएंगे, संगठन का चेहरा बदला जाएगा। हालांकि अभी इंतजार करना होगा इनके कामों का, क्या रिजल्ट सामने आता है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ रायपुर से रूपेश गुप्ता। अमरजीत भगत सरकार के नए मंत्री होंगे और कल शाम शपथ ग्रहण में उनको शपथ दिलाई जाएगी। अमरजीत भगत जी, काफी देर हो गई लेकिन हो गया। चलिए, ये सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश नेतृत्व का और राष्ट्रीय नेतृत्व का, हमारे कांग्रेस के सभी सीनियर नेताओं का हमारे ऊपर विशेष आशीर्वाद और कृपा रही है कि इस काम के लिए मुझे चुना है और जो भी जवाबदारी दिया जा रहा है उसका बखूबी हम निर्वहन करेंगे। कुछ चर्चा हुई है कि कौन कौन से विभाग मिल रहे हैं? जो भी मुख्यमंत्री जी की विशेषाधिकार है, जो भी जवाबदारी देना चाहें, जिस काम को भी सौंपना चाहें,
हम उसको बखूबी करेंगे और अच्छा करके दिखाने का कोशिश हमारा है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? जिस सोच के साथ, जिस मनसा के साथ छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को इतना मैंडेट दिया है, इतना बड़ा समर्थन और दिया है, तो काम भी हम लोगों को वैसे ही करना होगा कि उनके मनसा के अनुरूप हम उनको राहत पहुंचा सकें, उनको बेहतर योजना बना करके उनको सरकार की योजनाओं का लाभ दे सकें। आप के रूप में आदिवासियों के एक नई आवाज मिलने जा रही है इस प्रदेश में, और इसके साथ साथ सरगुजा की नुमाइंदगी भी बढ़ जाएगी, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका, क्या आश्वस्त करना चाहेंगे? जो भी समस्या है, चाहे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए हो, यहाँ के स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके बुनियादी जो भी आवश्यकता की गई है, सरकार का जो योजना रहेगा उससे उनको जोड़ करके और विकास के रास्ते में आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज की, चूंकि सीतापुर से आप आते हैं जहाँ से कांग्रेस कभी नहीं हारी है, लगातार भरोसा किया, लोकसभा चुनाव में भी लोगों ने आपकी पार्टी को जिताया है, तो वहाँ की जनता को क्या उम्मीद करनी चाहिए? इतने समय तक इतना इंतजार, मैं सलाम करता हूँ उन तमाम हमारे नौजवान साथियों को, क्षेत्र के मतदाताओं को, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया इस मुकाम को पाने के लिए, और आज उनका जो अपेक्षा था वो पूरा होने जा रहा है। मैं उनके आशा और उम्मीद और इतना लंबे समय तक इंतजार करने का जो उनमें क्षमता है, उनको सलाम करता हूँ। लोग कह रहे हैं कि सरगुजा में एक दूसरा पावर सेंटर अब डेवलप होगा, एक पैलेस है और दूसरा अमरजीत भगत। हम लोग सब एक परिवार के लोग हैं, और कांग्रेस परिवार अगर मजबूत होगा, उनको काम करने का अवसर मिलेगा। एक परिवार में अगर चार भाई रहते हैं तो चारों अगर अच्छा काम करें तो परिवार के लिए तो एक अच्छी खबर है, और परिवार और ज्यादा मजबूत होकर के आगे बढ़ेगा। तो कब तक उम्मीद है, कब से आप काम करना शुरू कर देंगे बतौर मंत्री? कल तो आपका शपथ ग्रहण हो जाएगा। चलो, जैसे अवसर मिलेगा वैसे। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये थे अमरजीत भगत, जो बता रहे थे कि उनको अवसर मिलेगा, उस अवसर में लोगों के विकास के लिए वो काम करेंगे, और खास तौर से उन्होंने सीतापुर की जनता को शुक्रिया अदा किया है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ रायपुर से रूपेश गुप्ता, स्वराज एक्सप्रेस। और ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं आशीष। आशीष, जिस तरह से अगर देखा जाए कि नाम तो कई लोगों के थे, जिसमें से मनोज जी का नाम था, फूलो देवी का नाम था और शिशुपाल सोरी का नाम था, तमाम ऐसे नाम थे इस दौड़ में, आखिर यहां पर मरकाम जी को ही क्यों चुना गया, आखिर इसके पीछे की वजह और समीकरण क्या थे? देखिए, न्यूट्रल फेस है मोहन मरकाम, और शायद यही वजह है कि एक जो ट्राइबल इक्वेशन एक बड़ा फैक्टर था ही, भी दो फैक्टर रहे जिसकी वजह से उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी AICC ने दी है, राहुल गांधी ने दी है, और अब वो प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए, तो हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है संगठन को चलाना। मैं तो सबसे पहले तो हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को, हमारे महासचिव माननीय पुनिया साहब को, माननीय डॉक्टर अरुण उरा साहब को, और छत्तीसगढ़ के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब को, माननीय TS सिंहदेव साहब को, माननीय ताम्रध्वज साहू साहब को, माननीय डॉक्टर चरणदास महंत साहब को तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रदर्शन करता हूँ, और छत्तीसगढ़ के सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार प्रदर्शन करता हूँ। बस्तर के विधायक को पहली बार PCC की जिम्मेदारी दी है, तो बहुत बड़ी चुनौती है, उस चुनौती को हम पूरा करेंगे। मैंने देखा है 2003 से लेकर 2018 तक बूथ अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष, PCC मेंबर और AICC मेंबर लगातार संगठन के साथ काम किया है। माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू साहब, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर चरणदास महंत साहब, और पिछले 5 वर्षों में माननीय वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और
छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री के साहब के साथ संगठन के हर गतिविधियों में मैं सहायक इस तरह रहा हूं और उनके साथ काम किया है, बूथ लेवल पर जाके काम किया है। तो संगठन में कैसे काम करना है, कैसे संगठन को मजबूत करना है, वैसे काम किया है तो उसका कहीं ना कहीं लाभ मुझे मिलेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से भूपेश बघेल लंबे समय तक काम करते रहे हैं, पूरे 5 साल, और अब उनकी जगह आप लेने जा रहे हैं। जो आक्रामकता भूपेश बघेल के भीतर थी उतनी विनम्रता आपके भीतर है, और जिस वक्त आपको यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, दो बाय इलेक्शन है, दो विधानसभा सीटों को लेकर, चित्रकूट तो कांग्रेस के पास था ही और दंतेवाड़ा विधानसभा, किस तरीके से आप इसे लेते हैं? क्या एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी चुनौती आपके सिर पर होगी, और होगी तो किस तरीके की स्ट्रेटेजी आपकी होगी कि जीत का पता वहां पर फहराया जाए? देखिए, संगठन को चलाना है तो आक्रामकता के साथ विनम्रता की भी जरूरी है। अगर आप में विनम्रता है तो आपसे जनता जुड़ेगी। अगर किसी संगठन में को जनता को जोड़ना है तो हमको विनम्रता से उनके विश्वास को भी जीतना पड़ेगा। मैं आक्रामकता के साथ, विनम्रता के साथ छत्तीसगढ़ की जो 2.5 करोड़ जनता के विश्वास पे कांग्रेस पार्टी को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयास करूंगा। और मैंने जो माननीय भूपेश बघेल साहब ने, माननीय धरेन्द्र साहू साहब ने, माननीय डॉक्टर चरण साहब मान साहब के साथ काम किया है तो कहीं ना कहीं उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है। तो उनके जो पद चिन्हों पर जो काम करने का तरीका है उसको पालन करते हुए कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में पुनर्स्थापित। इलेक्शन को लेकर क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि आप बस्तर से आते हैं और बस्तर की ये दोनों सीटें होंगी, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी AICC ने डाली? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है संगठन को। जिस ढंग से 2018 के चुनाव में संगठन एकजुट होकर के चुनाव लड़ा था और छत्तीसगढ़ में हम 90 में 68 सीट जीते थे, ये संगठन की एकता के कारण, हम लोकसभा चुनाव में आसाती सफलता हमको नहीं मिली, फिर भी हम अभी जो बाई इलेक्शन है, बस्तर के दोनों उपचुनाव, नगरी चुनाव है और पंचायत चुनाव है, संगठन को एकजुट करके हम कांग्रेस पार्टी को जिताने का प्रयास करेंगे। बीजेपी सत्ता में नहीं है, 15 साल तक बीजेपी सत्ता में रही, लेकिन अब जब सत्ता में नहीं है तो कैडर को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है, बड़े पैमाने पर नए सदस्य जोड़ने की स्ट्रेटेजी भी बीजेपी के पास है और इसी रणनीति पर बीजेपी काम भी कर रही है। आपकी अपनी क्या प्रायोरिटीज होगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कैडर कितना मजबूत हो सकेगा, ये आपकी प्राथमिकता में कितना हो? देखिए, पिछले 5 वर्षों में माननीय भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हमने बूथ लेवल कर तक जाकर हमको कैडर को मजबूत किया है, चाहे यूथ कांग्रेस हो, NSI हो, सेवा दल हो या फिर महिला कांग्रेस हो, सबको जोड़ने का प्रयास किया था। हर बूथ में लगभग 60 हम सदस्य बनाए थे, चाहे महिला हो, यूथ हो या बुजुर्ग हो, तो उसी ढंग से फिर से हम बूथ लेवल पर जाएंगे और संगठन को बूथ लेवल पर मजबूत करने का प्रयास करेंगे। उसका कहीं ना कहीं लाभ हमको नगरीय निकायों में, पंचायत चुनाव में और उपचुनाव में मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं, लेकिन अब आपको अपनी कार्यकारिणी भी बनानी होगी, कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया कब से शुरू करेंगे? देखिए, हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हम नए सिरे से हम प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करेंगे और उनका जो भी निर्देश होगा, जो भी आदेश होगा, हमारे माननीय प्रदेश प्रभारी PL पुनिया साहब का हो, डॉक्टर अरुण साहब का जो भी मार्गदर्शन होगा, उस मार्गदर्शन के अनुसार नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे। और पहली बार हमारे राष्ट्रीय नेता युवा हैं और देश की जनसंख्या 65% युवा है, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिया है, तो युवाओं को हम कैसे मतलब कांग्रेस पार्टी की ओर जोड़े, ये हमारा प्रयास रहेगा, ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी की नीतियों सिद्धांतों के साथ कांग्रेस पार्टी में जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। बहुत जमीनी नेता रहे हैं आप, अभी भी साइकिल पर घूमकर आप गांव के इलाकों पर घूमते नजर आते हैं, अब जब आपको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जमीन से जुड़ाव कितना? देखिए, जमीन से जुड़ाव होगा हमारे पे, हमने ग्राउंड लेवल पर काम किया है, संगठन को कैसे मजबूत किया है। 2008 में मैंने पूरे 2-3 महीने तक साइकिल यात्रा के माध्यम से मेरे विधानसभा क्षेत्र में दौरा करके कांग्रेस पार्टी से हमने जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ हम काम किए हैं ब्लॉक अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष के तौर पर, तो आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो हम बूथ लेवल पर कैसे हमको जाना है, कैसे काम करना है, हम उसको पालन करेंगे। एक सवाल और है कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार आ गई, आपकी पार्टी की सरकार है, पहले आप विपक्ष में थे तो बहुत सारे मुद्दे होते थे आंदोलन करने के लिए, अब वैसे मुद्दे स्थानीय स्तर पर तो नहीं होंगे, लेकिन केंद्र में जरूर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA की सरकार है, कई ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर सहमति
राज्य में नहीं बना पाएगी कांग्रेस, ऐसे मुद्दों को लेकर जमीन की लड़ाई आपके नेतृत्व में निश्चित तौर पर लड़ी जाएगी, कितना आक्रामक होगा? देखिए, लगातार केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। अभी देखो, पीडीएस में चावल में कटौती की है, और अभी केरोसिन में कटौती की है, लगातार कटौतियां कर रही, तो छत्तीसगढ़ के साथ लगातार भेदभाव कर रही है। तो हम केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण और छत्तीसगढ़ के साथ उपेक्षा के कारण हम जमीन की लड़ाई लड़ेंगे और केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे। एक आखिरी सवाल, मंत्री बनने का कोई ख्याल आपके जहन पे रहा होगा, अब प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, कोई मलाल? नहीं, कोई मलाल नहीं है। मैंने शुरू से कहा है हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को, जो भी मुझे जिम्मेदारी देंगे, चाहे संगठन में दें या फिर सत्ता में दें, मैं अक्षरशः उसका पालन करूंगा। और मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सत्ता से कहीं ऊपर संगठन में जिम्मेदारी दी है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को मैं तहे दिल से आभार प्रदर्शन करता हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और जिस तरीके से बहुत महीन शब्द कहा है उन्होंने कि सत्ता के ऊपर संगठन की जिम्मेदारी उन्हें मिली है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा भरोसा ICC ने जताया है। मोहन मरकाम कोंडागांव से विधायक है कांग्रेस पार्टी के, और जिस वक्त उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनके सर पर दो बाय इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का जीत का झंडा फहराने की बड़ी जिम्मेदारी है। और जिस बस्तर से आते हैं, उसी बस्तर से BJP के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं विक्रम उसेंडी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैसेज देने की भी कोशिश कांग्रेस पार्टी की है। हालांकि बड़ी अग्नि परीक्षा से उन्हें गुजरना है, 6 महीने के पहले बाय इलेक्शन कराने की जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द शुरू की जाएगी। और फिलहाल ये एक बड़ी चुनौती मोहन मरकाम, जो कि नए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके हिस्से ये आने वाली है। बिल्कुल, जैसे कि देखा जाए छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर कई खेमे हैं, चाहे वो TS सिंहदेव का ले लीजिए, चाहे भूपेश बघेल का ले लीजिए। ऐसे में संगठन को मजबूती देना और उसे आगे बढ़ाना कितना मुश्किल रहेगा मरकाम जी के लिए? आशीष, देखिए, मोहन मरकाम जी से ही इस बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से तालमेल बनाने के लिए ही इनके नाम पर मुहर लगाई गई है, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भी करीबी माने जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष जो रहे हैं, जो वर्तमान सरकार में मंत्री हैं TS सिंहदेव, उनके भी करीबी माने जाते हैं। गुटबाजी को लेकर जिस तरीके से सवाल देखने को मिलता है और मीडिया में खबरें निकल कर आती हैं, संगठन के भीतर तालमेल को बनाने की चुनौती आप पर होगी, किस तरीके से तालमेल बनाकर आप काम करें? देखिए, मैं लगातार वरिष्ठ नेताओं के साथ काम किया है छत्तीसगढ़ में, माननीय धनेन्द्र साहू साहब प्रदेश अध्यक्ष, माननीय डॉक्टर चरणदास महंत प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, और वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री के साथ काम किया है, और सभी वरिष्ठ नेताओं का मुझे आशीर्वाद और मिला है। तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में उनके अनुभव का लाभ लेते हुए संगठन को मजबूत करने का प्रयास करूंगा। संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, और जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि सबके करीबी हैं मोहन मरकाम, और मोहन मरकाम एक ऐसा चेहरा कांग्रेस पार्टी के भीतर रहे हैं जिनको लेकर विरोध की स्थिति नहीं बनती नजर आई है। ऐसे में तरीके तालमेल को बिठाकर काम करने की बात ये करते नजर रहे हैं, जाहिर सी बात है आगे आने वाले दिनों में इसकी तस्वीर भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से देखा जाए कि लोकसभा चुनाव से पहले विक्रम उसेंडी को बनाया गया था BJP को, बस्तर से आदिवासी नेता थे, उसके बाद अच्छा खासा लोकसभा में BJP ने गेन किया, क्या यही एक्सपेरिमेंट या फिर आदिवासियों में पैठ को लेकर ही यहाँ पर मोहन मरकाम जी को उतारा गया है और उन्हें PCC का अध्यक्ष बनाया गया है? देखिए, एक बड़ा समीकरण है, बड़ा फैक्टर है निश्चित तौर पर, जिस तरीके से हाल के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उन नतीजों में जितनी भी ट्राइबल सीटें छत्तीसगढ़ में रही है, वहां पर कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। दंतेवाड़ा एक ऐसी सीट थी जहां पर BJP को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में यही एक चुनौती होगी। लेकिन जरूर ट्राइबल वोट बैंक जो कांग्रेस का रहा है परंपरागत तौर पर, और पिछले एक दशक में ये स्लाइटली BJP के पक्ष में जाता नजर आया था, वो अब दोबारा कांग्रेस से जुड़ता नजर आया है, और इस वोट बैंक को बरकरार रखने की भी चुनौती मोहन मरकाम के सिर पर होगी। और कहीं ना कहीं यदि बस्तर से उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके पीछे अपने आप ये पॉलिटिकल मैसेज भी देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती नजर आती है। चलिए, तमाम जानकारी को जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशीष।